नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर। अभी रात के लगभग 9 बजे हैं, मैं पंजाब में आया हुआ था, तो ये फैक्ट्री मैं चाह रहा था कि आपको ये फैक्ट्री विजिट करवाया जाए, दिखाया जाए। इस वीडियो के अंदर कुछ खास बातें बताई जाएगी मैट के बारे में, पशुओं का जो बफेलो काउ मैट होते हैं डेयरी फार्म में यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ये भारत मैट कंपनी है जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनका ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है। इनकी क्वालिटी वगैरह टेस्ट भी किया जाएगा, कितनी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट ये बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या ऐड करते हैं। इसके अंदर वीडियो में शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहले से VLD हैं या फिर आपका पशु चारे की दुकान चलाते हैं या फिर कोई हार्डवेयर का दुकान करते हैं या फिर जिनके लाइजन काफ़ी अच्छे हैं डेयरी फार्मर से या बड़े बड़े जो फार्म चलाते हैं या फिर अपने घर में जो अपने पशुओं के लिए मैट यूज करते हैं, जो लोग होलसेल में डील करते हैं वो लोग इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। उन लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है, भारत मैट कंपनी जुड़ के एक होलसेलर बन के तो आपको कितना मुनाफा रहेगा, कैसे आप इनके जुड़ के मुनाफा कमा सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दिए जाएगा। मैं चाह रहा था मेरे किसान भाइयों के लिए, जो लोग मुझसे कई इंक्वायरी भी करना चाह रहे थे, सर मैट कंपनी विजिट करो, कौन सी मैट कंपनी बेस्ट है, कैसे प्रोडक्ट तैयार होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। डे नाइट ये शिफ्ट चलती रहती है, यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर काम करते हैं, खूब सारा प्रोडक्शन है। आप उस तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं, माल इनका दुनिया भर का माल भरा हुआ है, 2 कलर में ये माल बनाते हैं। आप लोग इनसे जुड़ के कैसे लाभ कमा सकते हैं, कितना माल मंगवा सकते हैं और कैसे ये चीज़ बिकेगी, कैसे इनकी गारंटी वारंटी रहेगी, जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनका इसमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे कंपनी क्या है कि सिंगल सिंगल कस्टमर जो डिमांड करते हैं, सिंगल या 2 पीस का जो ऑर्डर देते हैं उनको यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। तो जिस भी इलाके में इनका डीलर नहीं है वहाँ से अगर आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करते हैं तो आप इनसे इनके प्रोडक्ट को बल्क में मंगवा के, मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी मंगवा के उनको रिटेल में ले सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के पास जो ऑर्डर आता है कंपनी वो भी आपके पास ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब वहीं से आपके पास से वो लोग प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखी जाए, जो दोस्त इस तरह की वीडियो से संबंध रखते हैं तो अपने फार्मिंग चैनल पे ही वीडियो में डाल रहा हूँ, आप वीडियो कंप्लीट देख के पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सारा सिस्टम प्रोसीजर, कैसे आप इन्हें जुड़ के पैसे कमा सकते, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी आगे वीडियो में कंपनी के जो CEO फाउंडर हैं अनिल मलिक जी उनसे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के CEO एंड फाउंडर अनिल मलिक सर। सर स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, भारत मैट कंपनी में आप सबका स्वागत है। मैं कंपनी फाउंडर एंड CEO अनिल मलिक आज आपको ये बताऊंगा, जो भारत मैट हमारा पिछले 10 सालों से चल रहा है, जिसका जो एक दायरा या जो एक डिमांड ऑल ओवर इंडिया है वो बनता कैसे है। अच्छा जी, जी बिल्कुल, आइए प्रोडक्ट की तरफ। ये हमारा वो प्रोडक्ट है जी जिसको हम ईवा बोलते हैं। अच्छा जी। जो 100% नेचुरल होता है जी, और इम्पोर्ट है जो मैक्सिमम, ज़्यादातर इसको इम्पोर्ट ही किया जाता है जी। वैसे तो ईवा ये इंडिया में भी बनता है जी, लेकिन जो मर्जी आपकी भाई बाहर से इम्पोर्ट करें या लोकल यूज करें। अच्छा, क्योंकि मेन जो मैट के अंदर जो जान डालता है या जो मैट में स्ट्रेंथ पैदा करता है या जो मैट में क्वालिटी की बात करें, क्योंकि हमारा जो पशु है ना वो एक हैवी वेट होता है जी जी, जैसे अगर पशु के पाँव से मैट कट गया तो फिर चलेगा नहीं, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल है। मतलब पूरा पशु का मतलब 6-8 क्विंटल वजन और एक ही पैर पे टिक जाता है। बिल्कुल जो 4 इंच का जो सरफेस है उसके ऊपर पूरा पशु, देखो आप, हाँ, पूरा वेट। अगर माल में जान नहीं होगी तो ये मानो कि मैट कट जाएगा और जमींदार का पैसा बेकार जाएगा और पैसा बेकार चला गया, मान लिया जमींदार भाई का मेहनत का कमाया हुआ जी, तो फिर हमारा प्रोडक्ट बनाने का या मैट बनाने का, मतलब ये वो चीज है जो आपकी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट को मेंटेन रखे हुए, डिमांडेबल मतलब प्रोडक्ट बना हुआ है। ये बिल्कुल पिछले 10 साल से जो प्रोडक्ट है ना हमारा भारत मैट जी जी, आप यकीन मानिए पिछले 10 साल पहले जो पहला मैट हमने बनाया था भारत मैट जी जी जी, वो आज भी यूं का यूं चल रहा है। अच्छा जी, सेम क्वालिटी वैसा वैसा मतलब मेंटेन है, वो इसी का जो कमाल है और यही वो जो मेन जो ताकत वाली चीज है, जान है जी जी, ईवा भी बोलते हैं इसको, और एक रबड़ का कंटेंट भी इसी के अंदर मैट होता है। सर इससे कैसे तैयार होता है प्रोडक्ट, थोड़ा भी बताएं। जी बिल्कुल, अभी जैसे देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 15 किलो वजन हम एक मैट में भर्ती के दौरान डालते हैं। अच्छा जी, जो कि 5x8 के साइज को अच्छे से कवर करता है जी, और ये मशीन जी, ये मशीन देखो 5 डिलाइट में है।
अच्छा जी, जैसे 15 किलो 5 इसमें फ्रेम बने हैं, पांच फ्रेम, 15 किलो एक में 15 दो, तो ऐसे 15-15 करके 500 में माल भरा जाता है जी। ठीक है, लगभग 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद जो प्रोडक्ट हमारा पकने के बाद तैयार होने के बाद जो निकल के आता है वो ये मेल्ट होके और वो पूरा मतलब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, मतलब फ्रेम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कौन कौन सी मतलब कितनी वैरायटी आप इसमें बनाते हैं? वैरायटी की बात करो, देखो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट भारत मैट जिसका नाम हर कोई जानता है, और यही एक जो भारत मैट की बात करें हम, जो क्वालिटी की बात करें हम, जो पूरे ऑल इंडिया जी, जो जी। हमारा फेमस है और जमींदार का जो पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट है वो ये है, वो भारत मैट। अच्छा, ये भारत मैट। और दूसरा ब्रांड भी है आपका कोई? बिल्कुल बिल्कुल, इसी के पैरेलल में हम जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी कंपनी ने ग्रो की, आगे बढ़े हम, हमारे पास डिमांड आई, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड का कारण जो हमारे पास आया कि मान लिया भारत मैट की किसी शहर में हमने फ्रेंचाइजी दे दी जी जी जी, और उस शहर में एक ही डीलर है जी, तो कई बार क्या होता है कि जैसे जमींदार चला गया उसको ऑप्शन नहीं मिला कि मार्केट में रेट की ट्राई करें तो कैसे करें, कैसे करें, और जब तक जमींदार भाई या किसान भाई मार्केट में रेट की ट्राई नहीं करता वो सेटिस्फाई नहीं मानता अपने आप को। अच्छा, एक जगह प्रोडक्ट लिया उसका रेट पता नहीं मन मर्जी दुकानदार कितना लेता है ना लेता है, सबसे बड़ी बात ये लगी हमें। अच्छा जी, तो हमें ऑप्शन दूसरा देना जरूरी समझा। अच्छा जी, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे भीमा सुपर, भीमा सुपर इसलिए नाम रखा क्योंकि हम हमारा जो मेरे पार्टनर है वो भीम सिंह है। अच्छा, और हम किसी की कोई कॉपी नहीं करते। अच्छा, अपना प्रोडक्ट अपने नाम से बिल्कुल मार्केट में लॉन्च करते हैं। अच्छा सर, ये बताओ ये साइज में कितना कितना सही रहता है? साइज 5x8 का प्रॉपर साइज है जी। और 25mm की जो लगभग मोटाई है, मोटाई 25mm, और जैसे 5x8 मशीन से निकला उसको स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर करने के बाद उसका लगभग 5x8 का साइज एक्यूरेट जमींदार को दुकानदार को मिलेगा, मतलब कटिंग करके फिर देते हैं। बिल्कुल, जो एक पशु के लिए सफिशिएंट होगा। बड़ा भी सर इसे साइज कर सकते हैं? बड़ा नहीं, मैक्सिमम ये बहुत ही, ये मान के चलो 5x8 भी बहुत बड़ा साइज होता है जी। अच्छा जी, मैट के उसकी बात करें तो 4x7 भी काम दे देता है, 4.5x7 भी, 5x8 भी हम ही बना रहे हैं। अच्छा जी, ये भी एक। अच्छा, मान लो ज्यादा स्पेस में कवर करना हो तो क्यों चिपका के रखते हैं उसको, कैसे करते हैं? स्पेस कवर करने की बात बताता हूँ जी आपको मैं। जैसे इसका जो फिनिशिंग मैट की हमने करी है जी, ये बिल्कुल इसका एक एक मिलान कर सकते हैं हम मैट का ऐसे ऐसे। अच्छा, दूसरा मैट इसे चिपक जाएगा बिल्कुल। अगर चिपकाने की बात मैं करूंगा तो फिर बाद में साफ सफाई में दिक्कत आएगी। अच्छा, अगर मैट को चिपका दिया तो इतना बड़ा फिर उठाना वो मुश्किल होएगा। जी जी जी। ये बिल्कुल लाइट वेट में, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है वो लाइट वेट के अकॉर्डिंग है, लाइट वेट है। इसको साफ करना आसान है, इसको लगाना आसान है, वॉशेबल है, और सबसे खास बात ये कि जैसे एक घरों में लेडीज भी काम करें या साफ सफाई करें तो उसके लिए भी बिल्कुल ये एक लाइट वेट है और प्रॉपर इजीली वॉश भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अच्छा, ये बताएं सर ये प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ का, मतलब कौन कौन लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? देखो ये जो प्रोडक्ट आज के युग में जैसे हमारे जानवर को लेकर गाय भैंस की बात करें, फिर जैसे प्रचलन हो गया है कि कंफर्ट जोन या लग्जरी लाइफ, जैसे इंसान का जीवन धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ऐसे ही पशु जो हमारा दुधारू पशु है उसके लिए भी एक आवश्यक बन गया है, साफ सफाई के लिए, जो सीजनली बीमारियाँ होती है उनके बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप लग्जरी न मान करके आवश्यकता का एक हिस्सा मान सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बताएं सर कौन कौन लोग इससे लाभ उठा सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग आपके जुड़ के ये व्यापार कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा वो कोई भी दुकानदार भाई तो प्रोडक्ट का रिलेटेड है किसान भाई से, डेयरी फार्मिंग वाले भाई से, जैसे मेडिकल वाला भाई है, कोई फर्नीचर शॉप है, कोई दूसरे मैट्रस जो सेल करने वाला भाई है, खल फीड की कोई दुकानदार वाला भाई है, या कोई भी एक ऐसा दुकानदार भाई जो जिसके पास स्पेस है और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहता है, कोई भी वो कर सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी मार्केटिंग कितनी बड़ी है, मतलब जैसे मान लो कितने साल पुराने आप लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, लगभग 10 साल पहले जैसा कि हमने बताया, जब हम इस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में सबसे पहले आए थे तो काउमैट के बारे में कोई नहीं जानता था। हमने धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को जमींदार तक पहुँचाया और इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया। आज ये मान के चले ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल हमारा हर शहर में डीलर है,
डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अकॉर्डिंग काम करने वाला हमारा टाइप है, और एक ज़मींदार या किसान भाई बिल्कुल अपनी सुविधा अनुसार 2, 4, 10, 20 मिनट जितनी भी उसको आवश्यकता है ले सकता है। और जो भाई नया इस काम में इंटरेस्टेड होना चाहता है काम स्टार्ट करने के लिए, उसका भी स्वागत है। सर ये बताएं, जैसे आपसे कोई लोग जुड़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कैसे होती है कि आप पहले से मतलब मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपकी क्वालिटी कितनी फेमस है कि लोग पहले से डिमांड करें इसके बारे में? क्वालिटी का जो हमारा टेस्टिंग का जो तरीका है वो डबल आर में है, रोल और रो टेस्टिंग में, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। रही बात मार्केटिंग की या जो दुकानदार भाई है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों ले, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है क्यों ले, वो हमारा जो क्वालिटी और जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है, तो ऐसे में हमारे पास कॉल्स आती हैं कि किसी भी स्टेट में आपका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा जी। तो ऑलरेडी हम जो जिसको ज़रूरत है वो हम बायर हमारे पास रेडी है, सिर्फ ज़रूरत है या किसी भाई को काम करने की या चलाने की वो है सिर्फ दुकानदार भाई की, और एक नॉमिनल सी अमाउंट इन्वेस्ट करके जैसे 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके काम को स्टार्ट कर सकता है। इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में बताएंगे और गारंटी वारंटी का जो सिनेरियो है उसके बारे में बताएंगे। सर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई मान लो ये जो आपने बताया कि जो मान लो VLD हो गया, कोई शॉपकीपर हो गया या जो पशु चारा में डील करता है वो बंदा रख सकता है, कोई नया बंदा भी शुरू करना चाहे या फिर ये लोग शुरू करते हैं आपके हाथ जुड़ के, आपकी कंपनी जुड़ते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये मान के चलो लगभग 40-50 हज़ार रुपये इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, और यही पैसा बार बार रोटेट होके अच्छा एक विषय या एक अच्छा जो अंदर भाई को बिल्कुल एक स्कोप दे सकता है। तो जी नया बंदा अगर जुड़ता है तो वो मार्केटिंग कैसे करे? नए बंदे को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग ऑलरेडी हमारी है, ऐसा कोई भी ग्राहक या ज़मींदार डेयरी वाला भाई नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट को नहीं जानता हो, या बिल्कुल जानता है तो उसको ये बताना है कि हमें मिलता कहाँ। अगर कोई दुकानदार भाई प्रोडक्ट को अपनी दुकानदारी में ऐड ऑन करना चाहता है या नई दुकानदारी में स्टार्टिंग करना चाहता है, तो जो बायर है या जो ज़मींदार है, जो डेयरी वाले भाई हैं, उनका एक कस्टमर बेस ऑलरेडी हमारा सेटअप है, उनके पास कॉल आएगी और एक मैट का जो जो सिनेरियो पैक का पैक होने का या लेके जाने का उतना ही उनका रोल रहेगा, उसके बाद गारंटी वारंटी वो सब हमारे ऐड ऑन पर। अनिल जी मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो भाई नया बंदा या फिर कैसे कोई भी कस्टमर कैसे भरोसा करेगा भी आपकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, मतलब कोई टेस्ट वगैरह भी करते हैं आप लोग ऐसे कुछ? बिल्कुल, हमारा जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं वो इतने इजी और सिंपल है कि एक ज़मींदार आदमी भी, एक सिंगल मैट लेने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। अच्छा जी, जैसे रोल जी, ये रोल जिस भी मैट का जितने अच्छे से बनेगा तो उसका मतलब मैट में जान है, दम है। अच्छा जी। दूसरा है रोड, जो कि आपको हम दिखाएंगे रोड टेस्टिंग में कैसे फोल्ड फोल्ड करके और ट्रक जाए उसके ऊपर, बस जाए, जितना मर्जी हैवी ट्रक मैट के ऊपर से जाएगा और मैट की शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, शेप पे कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, और मैट जैसा डाला था रोड पे वैसा ही निकलेगा, तो ये समझो कि मैट जेन्युइन है। अब आपको हमारा जो रोल टेस्टिंग का तरीका है वो दिखाते हैं जी आपको, कैसे एक बिल्कुल मैट को एक बिस्तर की तरह पैक करके जैसे बाइक पे कैरी करना है या एक बिल्कुल टू व्हीलर पे लेके जाना है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग इसको हम बना देते हैं, और इसके इससे बनाने के दो फायदे हैं, एक तो कैरी करना आसान हो जाता है, दूसरा टेस्टिंग हो रही साथ के साथ। अच्छा, जमींदार कोई भी अगर बाइक पे मैट लेने आता है दुकानदार के पास, तो उसका ये तरीका सबसे बेस्ट है कि उसको बोले कि ऐसे फोल्ड करके दिखाई, मैट की टेस्टिंग होगी और बाइक पे ले जाना आसान होगा। आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ही मतलब इस पे लगा के टेप लगा के फिर पैक हो जाएगा? तो 180 के एंगल पर बिल्कुल फोल्ड करके मैट का जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो आपके सामने है जी। अब जी, इसको खोलने के बाद देखते हैं इसकी सेफ पे क्या असर आएगा। ये देखो जी, कहीं कोई रिंकल्स वगैरह नहीं है, कोई ऐसा कोई निशान या क्रैकिंग नहीं है जिससे हमें ये लगे कि मैट की जो क्वालिटी है एक लो स्तर की है या निम्न स्तर की है, ऐसा बिल्कुल कोई भी सरफेस पे या कोई कहीं भी रिंकल या कोई ऐसा क्रैकिंग नहीं नज़र आ रहा जी। अभी जैसे ये मैट को फोल्ड कर रखा है, इसी मैट के ऊपर से एक हैवी ट्रक जो लोड होगा बिल्कुल 15-20 टन का, उसके ऊपर से क्रॉस करके आपके सामने एक डेमो या एक क्वालिटी का टेस्टिंग का जो रोल टाइप में होगा, रोल टाइप में होगा, वो आपके सामने अब दिखाएं। ये देखो जी, आज हमारी जो भारत मैट की हम रोल टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी आपके सामने एक हैवी गाड़ी, एक हैवी ट्रक मैट के ऊपर से अभी जा रहा है और
उसके बाद मैक की सेफ पे क्या असर आता है अभी आपके सामने खोल के हम दिखाएंगे। अभी देखो जी आप, जैसे हैवी ट्रक इसके ऊपर से गया, इसकी मैट की सेफ के ऊपर कोई भी अंतर ऐसा नहीं आया जिससे लगे कि क्वालिटी में कोई डिफेक्ट है, फॉल्ट है, एक लो स्तर की है, कटने फटने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसा मैट डाला था वैसा ही बिल्कुल गाड़ी ऊपर से जाने के बाद भी सेफ इसकी ओके है। तो सर मैं प्रॉफिट मार्जिन पूछना चाहूँगा, आपके प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन एक नए बंदे को हो सकता है? प्रॉफिट मार्जिन की बात करें हम, जैसे 10-20% तक का लगभग एरिया वाइज वैरी करता है, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है संगरूर पंजाब में है, यहाँ से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़े की बात करें या जो रेट में 100-200 का जो अंतर आ जाता है, अगर उसको हम डिस्क्लोज करेंगे फिर वो किंतु परंतु वाली बात हो जाती है बाद में कि रेट इतना था और अब जमींदार दुकानदार इतना डिमांड कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। सर आपने 40,000 रुपये का अमाउंट बताया कि इतना बंदा लगा के अपना काम में ये प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकता है या नया शुरू कर सकता है, तो ये बताएं कि मान लो कहीं पे साउथ में या कहीं दूर भी कोई ये काम को शुरू करता है तो क्या जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा या फिर आप उसमें आप खुद उसको देंगे, पहुंच करवाएंगे? बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है या कोई GST की बात है या GST नंबर की बात है, इसका जो विस्तार पूर्वक जो नीचे लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल सारी बातें 1-to-1 क्लियर कर सकते हैं, और जो अभी कम समय में ज़्यादा जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है इसलिए ज़्यादा लंबा बन जाएगी वीडियो अगर हम इसके बारे। अच्छा सर, आप पे भरोसा करना कितना जायज रहेगा, मतलब आप कितने रिलायबल हैं लोगों के लिए, तो थोड़ा वही बताएं। देखो सबसे बड़ी बात ये क्वालिटी को लेकर ही आई, हमारा प्रोडक्ट एक बार हमारे कहने से या हमारा जो दुकानदार भाई के अकॉर्डिंग एक बार हमारे हिसाब से लेके देखें, दूसरी बार मैं नहीं बोलूँगा, मेरा प्रोडक्ट बोलेगा। ये आपकी क्वालिटी की बात जी, ये हमारे क्वालिटी और कमिटमेंट की बात। और रही बात आज मैं मेरे प्रोडक्ट की लाइफ की बात करूँ, यकीन मानिए 10 साल पहले लगभग जो मैट हमने पहली बार बनाया था आज वो यूं का यूं चल रहा है। अच्छा जी, वैसे लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि 5-7 साल मैट की लाइफ नॉर्मल, इतनी लाइफ मानते हैं। अच्छा सर, इसमें पहुंच वगैरह मान लो रास्ते में कोई कटफट हो जाता है किसी कारणवश, मान लो ये किसी तरह का कोई भी डैमेज होता है तो वो गारंटी वारंटी किसकी रहती है? डैमेज की बात देखो, जो पैकेजिंग का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और जो डोर स्टेप डिलीवरी है वो एक बिल्कुल अच्छे इस तरीके से है कि ये जो क्यूरीज हैं या जो डिस्टरबेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको हम पहले से ही बिल्कुल सेक्रीफाइज करके चलते हैं, जिससे हमें ये लगे कि बाद में किंतु परंतु वाले बात। सर कौन लोग आपसे मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं? इंक्वायरीज वो भाई करें जो दुकानदार भाई हैं जिनको माल ले करके आगे जमींदार को देना है, क्योंकि देखो माल तो हमारा अभी भी जा रहा है जी जी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी बेरोजगार भाई को रोजगार मिले या किसी दुकानदार भाई को एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन के लिए प्रोडक्ट मिले, एक्स्ट्रा ऐड ऑन के लिए, क्योंकि लोकलिटी होती है ना, जहाँ दुकान होती है और उसी के सराउंडिंग में कोई माल मिलता है तो एक लॉयल्टी बनती है। प्रोडक्ट हमारा है जो एक नाम के अकॉर्डिंग बिकेगा, लेकिन जो डिलीवरी बिल्कुल नियर बाई मिल रही है हर कोई चाहता है। अच्छा सर ये बताएं, कोई नया बंदा शुरू करता है मान लो तो वो कितने प्रोडक्ट बेच सकता है एक दिन में? प्रोडक्ट बेचने वाली बात ये जी, प्रोडक्ट इसको बेचना नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारा है, ये सेवाएं हैं। सेवाएं का मतलब ऐसा है कि जैसे तो वो होता है कि प्रॉफिट के चक्कर में भागना नहीं, हमारा हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट है, और इसकी डिमांड मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 7-10 दिन का हमारा वेटिंग होता है, और फिर भी अगर कोई जमींदार या क्या दुकानदार भाई अपना प्रोडक्ट को ऐड ऑन करता है या नया कोई स्टार्ट करता है तो उसको बायर या जमींदार जो है हम देंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो कॉल आते हैं वो आपके यहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर वहाँ से आप प्रोडक्ट लीजिए, पैसा उधर ही दीजिए, और जो गारंटी वारंटी की जो सुविधाएं हैं वो अपने ऐड ऑन पे देते हैं। सेल में कैसे हेल्प करेंगे आप उनके? सेल में जैसे जो हमारा जो मार्केटिंग का जो तरीका है वो ऑल ओवर इंडिया है, और जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं वो बहुत ही लार्ज में आती है जी जी। सेल में तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है कि अच्छा जैसे ये तो वो बात आ गई भाई कोई नया प्रोडक्ट है किसी को ऐड ऑन करना है और वो सोचे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ऑन डिमांड है, सिर्फ हिसाब से लिया और हिसाब से दिया। अच्छा हाँ, उसके अलावा मतलब ये वहाँ की इंक्वायरी वगैरह लोकल लोगों को देते हैं? लोकल इंक्वायरी कंफर्म मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, और यही हमारा एजेंडा है। आपने पूछा कि डिलीवरी के बारे में,
हमारा जो प्रोडक्ट है एक नाम से बिकता है, भारत मैट का एक नाम है, मुझे ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। जी जी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा बायर या कोई हमारे जो व्यापार में एक जेकरव की बात आती है जो कैसे चले, उसके लिए हमारे पास जो कॉल आती है ऑल ओवर इंडिया, जिस भी एरिया का कोई कस्टमर है उसी एरिया के दुकानदार भाई को वो कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब उसकी मार्केटिंग में हेल्प। मार्केटिंग में तो कहने की जरूरत नहीं थी, सेल में ये मान के चलो प्रोडक्ट है, नाम से बिकता है, क्वालिटी बिकती है। जी जी। और मैं नहीं बोलूंगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में। जी जी जी। मैं तो पहली बार ही आपको बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ये है, अगली बार एक बार यूज करने के बाद तो अपने आप प्रोडक्ट ही बोल सकती हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी हमने भारत मैट कंपनी से आप सबके लिए दी है। आप लोग नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से जितने सवाल थे सारे पूछ लिए हैं, फिर भी आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बेहतर तरीका है आप कॉल करके जानकारी जुटाएं और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो। ये भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे ये मैट बनाए जाते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी सब चीज़ सर ने बताया है किस तरह तैयार होता है। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल ना भूलें। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।